हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी और हम आज बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में, जो कि NSE BSE दोनों से सस्पेंड है। 7 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग है। तो फ्रेंड्स, कितने परसेंट चांस है कि रिलिस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, बहुत से सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस शेयर के रिलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डीलिस्ट होने के, और ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो इसमें अगर ये रिलिस्ट होता है तो आपको एकदम सेल नहीं करना, आपका प्राइस यहाँ से आप अच्छा रिटर्न ज़रूर बना सकते हैं शेयर में। सो फ्रेंड्स, चांसेस ज़्यादा रिलिस्ट होने के ही हैं, ये चीज़ आपको कंसिडर करके चलनी है। फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंसी के रीज़न से 21 मार्च के बाद से ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है NSE BSE दोनों से, एंड NCLT अहमदाबाद ब्रांच में केस चल रहा है। अब नेक्स्ट हियरिंग की डेट है 26 सितंबर। तो फ्रेंड, जस्ट टेन डेज लेफ्ट हैं। तो 10 डेज के बाद हमें कोई गुड न्यूज़ देखने को और सुनने को ज़रूर मिल सकती है। तो अगर आपने जहां इतनी देर वेट किया है तो 10 डेज वेट और कीजिए, चांसेस तो ज़्यादा रीलिस्ट होने के ही हैं। और रीलिस्ट होने के बाद फ्रेंड्स, इसमें एक अच्छा रिटर्न ज़रूर बन सकता है। कंपनी रनिंग है, कंपनी के प्रॉपर रिजल्ट्स आ रहे हैं, पेपर वर्क कम्प्लीटली चेक हो रहा है। 6 सितंबर को एक अपडेट आया था CIRP से रिलेटेड, और 7 सितंबर को भी एक अपडेट आया था CIRP से रिलेटेड। सो फ्रेंड, जो इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है अभी, उसमें प्रॉपर हियरिंग्स की डेट्स आ रही हैं। तो अब नेक्स्ट डे 26 सितंबर की है, बट जो भी सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं कि मैम ये रिलिस्ट होगा या नहीं होगा और कितने परसेंट चांसेस हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि रिलिस्ट होने के चांसेस फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। वैसे तो आपका पैसा फंसा ही हुआ है, हो सकता है रीलिस्ट हो जाए तो आपका इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाए। थैंक यू।